हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रानी मैम एंड वेलकम यू अगेन टू द चैनल दैट इज़ इंग्लिश विद रानी मैम। होपफुली आप व्यूअर्स इस वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे, जो जो वीडियोस। और आप ध्यान देना कि जो भी एग्ज़ाम का पैटर्न अभी है, क्योंकि लास्ट 2-3 साल का अगर आप पेपर देखोगे ना, तो एक ड्रास्टिक पैटर्न में, ये नहीं बोलूँगी कि नाउन बदल गया है, बट क्वेश्चंस पूछने का तरीका बिल्कुल अलग हो गया है। अब जो एरर्स आ रहे हैं हमारे एग्ज़ाम में, दैट इज़ हाईली कॉन्सेप्चुअल। ओके, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि रूल बेस्ड नहीं आ रहे हैं, रूल्स वाले भी आ रहे हैं, बट कॉन्सेप्चुअल एरर्स बहुत आ रहे हैं। छोटी छोटी डीप अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है आप स्टूडेंट्स को। जैसे मैंने 2016-17 का पेपर देखा इंग्लिश का, तो देखा उन्होंने कि एडजेक्टिव और एडवर्ब से एरर आया है, बट एडजेक्टिव और एरर से जो एरर्स आए हैं ना, वो डायरेक्टली एडजेक्टिव का नहीं है। उन्होंने बहुत चालाकी से क्या किया है, एडजेक्टिव को जोड़ा है वर्ब से। ओके, एडजेक्टिव को वर्ब से जोड़ते हुए एरर दिया है। एडजेक्टिव को वर्ब से जोड़ते हुए इसका मतलब क्या है कि आप अगर आप डिस्क्रिप्शन पे जाओगे, आप देखोगे कि मैंने एक नॉन फाइनाइट का वीडियो डाला है। ओके, नॉन फाइनाइट में मैंने एक टॉपिक डील किया है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव का काम करता है। पार्टिसिपल बेसिकली पार्टिसिपल मुख्यतः होता तो है ये वर्ब, बट काम करता है एडजेक्टिव का। ओके, और पार्टिसिपल में भी देखना, मैंने दो डाला है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, वैसे एक परफेक्ट पार्टिसिपल भी होता है। तो पार्टिसिपल भी सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करता है। तो 2017 के मेंस में मैंने देखा कि बहुत चालाकी से एग्जामिनेशन क्वेश्चन सेटर ने वर्ब और एडजेक्टिव को जोड़ के पार्टिसिपल का एरर बना के डाला है। ठीक है, तो जो जैसे जैसे एग्जाम्स में आपके एरर्स आ रहे हैं, ठीक है, एकदम रीसेंट, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी मैंने सारा वीडियोज़ बना रही हूँ। ठीक है, तो चलो आज का हमारा जो वीडियो है वो है इन्वर्जन, क्योंकि काफ़ी सारा एरर मैंने इन्वर्जन का भी देखा। स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि आखिर ये इन्वर्जन होता क्या है, इसका यूज़ कैसे होता है, इससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, इन्वर्जन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कई बार बच्चों इसे इग्नोर कर देते हैं। और ये इन्वर्जन इतना वास्ट टॉपिक है ना, थोड़े थोड़े करके सब टॉपिक्स में आ जाता है। इन्वर्जन से रिलेटेड एरर आपका वर्ब का भी आ सकता है, इन्वर्जन से रिलेटेड एरर कंजंक्शन में भी डाल देते। पहले एग्जाम्स में क्या करते थे ना, इधर के साथ नॉर लगा देते थे, ये गलत है, क्योंकि हर स्टूडेंट को पता है कि इधर के साथ नॉर नहीं आता है, इधर के साथ और आता है। चलो ये तो पता है, बट ऐसा नहीं है कि कंजंक्शन बदल दे रहे हैं, कंजंक्शन तो वही रह रहा है, बट इधर नॉर वाला एरर ना दे के कौन सा एरर दे दे रहे हैं, इन्वर्जन बेस्ड। तो अभी हम डील करेंगे इन्वर्जन से कैसे कंजंक्शन का एरर आता है। फिर अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डाउट पूछा था, उसमें इन्वर्जन का एक एरर एडवर्ब से रिलेटेड था। ठीक है, एडवर्ब और इन्वर्जन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, इन्वर्जन आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा एक्टिव पैसिव में भी, इन्वर्जन आपको हेल्प करेगा नरेशन में भी, ऑप्शंस को छांटने में और सही आंसर तक पहुंचने में। तो इन अ नटशेल, संक्षिप्त में देखा जाए तो इन्वर्जन आपको हर जगह हेल्प करेगा। तो चलो आप देखते हैं कि पहले तो देखते हैं इन्वर्जन होता क्या है, ठीक है, इसका यूज़ कैसे कैसे होता है और एग्जाम में इससे रिलेटेड कैसे कैसे एरर्स आते हैं। ओके, इसीलिए इन्वर्जन को पहले मैंने दो पार्ट में बांट दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पहला पार्ट में हम पढ़ेंगे कि इन्वर्जन होता क्या है, इसका यूज़ कैसे कैसे है, और सेकंड पार्ट में इससे रिलेटेड एडवर्ब और कंजंक्शन का एरर कैसे आता है। ठीक है, चलो नाउ लेट अस स्टार्ट विद इन्वर्जन। नाम से ही पता चल रहा है ना, इन्वर्जन वर्ड बना है किससे, इन्वर्स से। ठीक है, इन्वर्स, इन्वर्स का मतलब क्या है, ऑपोजिट, उल्टा। ठीक है, इन्वर्स हमारा वर्ब है और SION लग गया, ये नाउन बन गया, किसी टॉपिक का नाम भी एक नाउन ही होता है। इन्वर्जन वर्ड बना ही है इन्वर्स से, इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा। अब आपके दिमाग में आ रहा क्या उल्टा, किस चीज़ का उल्टा, जनरली आप सेंटेंस में देखोगे, जनरली सेंटेंस में पहले हमारा वर्ब सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है। ओके, सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, पहले सब्जेक्ट, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन उल्टा कब हो जाता है, ठीक है, जस्ट ऑपोजिट कब हो जाता है, जब हमारा वर्ब से सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया। तो इन्वर्जन हम कब मानते हैं, इन्वर्जन सेंटेंस में कब होता है, जब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया। जनरली नॉर्मली सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, बट इन्वर्जन कब होता है, जब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाता है। ठीक है, चलो अब इसको हम डील करते हैं कैसे कैसे, सेंटेंस के थ्रू और भी क्लियर हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे इन्वर्जन कब होता है, when verb comes before the subject, generally हमारे सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है, डूअर आता है, कर्ता आता है, उसके बाद क्रिया आता है, बट उल्टा कब हो जाता है, जब कर्ता से पहले क्रिया आ जाता है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ,
से लिखा मैंने ही इज डूइंग द वर्क. ठीक है, हमारा एक सेंटेंस है. ये सेंटेंस में ही क्या है, जिसके बारे में बात बोली जा रही है वो हमारा सब्जेक्ट है, और इज डूइंग वर्ब है. ये भी वर्ब है और डूइंग भी वर्ब है, दोनों वर्ब है. बट डिफरेंस क्या है, ये सहायक क्रिया है. ठीक है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, और ये मेन वर्ब है. ठीक है, और ये हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है. इसमें तो कुछ उल्टा नहीं हो रहा है ना, इसमें तो सब सीक्वेंस में है. पहले सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद वर्ब आ रहा है. और एक दो चीज़ें और, कई बार बच्चे दिमाग में ये बैठा के रख लेते हैं ना कि इन्वर्जन हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के साथ होता है. ठीक है, इन्वर्जन ऑक्सिलरी वर्ब के साथ होता है, बट कई बार सेंटेंस में इन्वर्जन मेन वर्ब के साथ भी होता है. ठीक है, इसलिए दिमाग में ये नहीं बोलना है कि व्हेन ऑक्सिलरी वर्ब्स कम्स बिफोर सब्जेक्ट, कभी सिर्फ वर्ब बोलो. वर्ब में कोई भी हो सकता है, ऑक्सिलरी भी हो सकता है और मेन भी हो सकता है. ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सॉरी ये हमारा सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट. इसमें कुछ उल्टा नहीं हो रहा है, ये एकदम जा रहा है एस वी ओ. बट उल्टा इन्वर्जन कब होता है, जब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया. ये एक नॉर्मल सेंटेंस है. अब मैं इसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाती हूँ. इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे बोलते हैं, दैट इज प्रश्नवाचक. प्रश्नवाचक सेंटेंस मतलब जो सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क हो. और ये बच्चे एकदम ध्यान से याद रखना है कि कई बच्चे अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि सेंटेंस में हु हो, वाई हो, वेयर हो, वेन हो, तो ये सारे सेंटेंस इंटरोगेटिव है, प्रश्नवाचक नहीं है. ऐसा नहीं है. प्रश्नवाचक सेंटेंस कब होता है, जब हमारा सेंटेंस क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहा है, दैट इज अ इंटरोगेटिव सेंटेंस. तो इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान हु, वाई, वेयर, वेन नहीं है. पहचान क्या है, क्वेश्चन मार्क. अब ये तो क्वेश्चन मार्क सेंटेंस नहीं है, अब इसी को मैं क्वेश्चन मार्क बनाती हूँ. इज ही गोइंग टू स्कूल, सॉरी इज ही डूइंग द वर्क, इसी सेंटेंस को बना रही हूँ. ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट था, वो काम कर रहा है. और यहाँ मैं पूछ रही हूँ कि क्या वो काम कर रहा है. यहाँ पे देखो उल्टा हो गया. ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है. तो यहाँ उल्टा हो गया ना, यहाँ इन्वर्जन हो रहा है, यहाँ पे इन्वर्जन नहीं हो रहा, कुछ उल्टा नहीं हो रहा है. सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जा रहा है. तो यहाँ इन्वर्जन हो रहा है, उल्टा हो रहा है. और जनरली हर इंटरोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्जन होता है, नॉर्मल सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं होता है. बट हर प्रश्नवाचक सेंटेंस में इन्वर्जन होना ज़रूरी है. जैसे मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ, ये लिखा व्हेन ही विल कम, और सेंटेंस लिखा व्हेन विल ही कम. दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या का है, यहाँ पे क्या है, ही विल है और यहाँ पे विल ही है, बाकी सारा चीज़ तो सेम है. डिफरेंस क्या है, यहाँ पे देखो ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है. अगेन यहाँ पे ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट. दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है, इसमें इन्वर्जन हो रहा है, उल्टा. इन्वर्जन मतलब उल्टा, उल्टा मतलब क्या है, सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी आ रहा है, बट इसमें सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी आ रहा है. इसमें इन्वर्जन नहीं हो रहा है और इसमें इन्वर्जन हो रहा है. अब आपको पता लगाना होगा कि क्या इस सेंटेंस में इन्वर्जन चाहिए. हर प्रश्नवाचक सेंटेंस में इन्वर्जन होता है, ठीक है, हर प्रश्नवाचक सेंटेंस में इन्वर्जन चाहिए. और ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, और क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में हमें इन्वर्जन चाहिए, इसलिए ये गलत हो गया, ये सही. जैसे व्हाट यू आर डूइंग नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, व्हाट आर यू डूइंग. ठीक है, अभी मैं आपको एक दो एग्जांपल और दे देती हूँ. व्हाट यू आर डूइंग, और एक सेंटेंस है व्हाट आर यू डूइंग. देखो ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस प्रश्नवाचक है, ठीक है, और हर प्रश्नवाचक सेंटेंस में इन्वर्जन चाहिए, उल्टा होना है. उल्टा मतलब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, और इसमें तो सब्जेक्ट के बाद आ रहा है. ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है और हर प्रश्नवाचक सेंटेंस में इन्वर्जन चाहिए, और इसमें इन्वर्जन हो रहा है, इसका मतलब है ये गलत. ठीक है, और एक चीज़ और ये भी ध्यान रखना है कि अभी मैंने आपको बताया व्हाट, व्हेन, हाउ से डिसाइड नहीं करते हैं कि सेंटेंस इंटरोगेटिव है. प्रश्नवाचक डिसाइड करने के लिए प्रश्नवाचक का साइन होना ज़रूरी है. जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा, He said, he asked when I would come. जैसे he asked me when I would come.
और फिर है ही आस्ट. ये सब आपको हेल्प करेगा, नरेशन में हेल्प करेगा, एक्टिव पैसिव सॉरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में. ही आस्ट मी व्हेन वुड आई कम. अब सेंटेंस को ध्यान से देखो, ठीक है, सेंटेंस को ध्यान से देखना. इन द सब सारा चीज तो सेम है, यहाँ क्या है आई वुड और यहाँ है वुड आई. और ध्यान रखना है कि ये सेंटेंस फुल स्टॉप से खत्म हुआ है, और फुल स्टॉप वाला सेंटेंस कभी भी इंटरोगेटिव नहीं होता है. इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है, प्रश्नवाचक की क्वेश्चन मार्क. दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ आई वुड है और यहाँ पे वुड आई है. इसका मतलब है कि सब्जेक्ट से पहले यहाँ वर्ब आ रहा है तो यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे उल्टा नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, यहाँ नो इन्वर्जन. अब कुछ बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाएंगे, सेंटेंस में वेन देख लेंगे और वो वेन देख के समझ जाएंगे कि सेंटेंस इंटरोगेटिव है और इन्वर्जन कर देंगे. बट ये सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं है, ये तो फुल स्टॉप वाला है, और फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में हमें इन्वर्जन नहीं चाहिए. किसमें इन्वर्जन नहीं हो रहा है इसमें, तो ये सही, ठीक है, ये गलत है. अगर यही सेंटेंस ऐसा आता, व्हेन आई वुड कम, ठीक है, और फिर रहता व्हेन वुड आई कम. देखो ये सेंटेंस तो फुल स्टॉप था, और फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं होता है. अब ये तो प्रश्नवाचक बन गया, और प्रश्नवाचक सेंटेंस में इन्वर्जन का होना मस्ट है, एकदम जरूरी है. किसमें इन्वर्जन हो रहा है, इसमें हो रहा है इन्वर्जन, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा, तो ये सही हो. इस सेंटेंस को बताने के पीछे बस यही मकसद था कि आप स्टूडेंट्स व्हाट व्हेन हाउ से नहीं डिसाइड करोगे कि सेंटेंस इंटरोगेटिव है. सेंटेंस प्रश्नवाचक कैसे बनता है, प्रश्नवाचक चिन्ह से. तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह था, इसमें इन्वर्जन चाहिए, ये सही है. इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं था, ये प्रश्नवाचक सेंटेंस नहीं है, इसमें इन्वर्जन नहीं चाहिए. इसमें हो रहा है, इसमें नहीं चाहिए, यही सही, ठीक है. होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कि इन्वर्जन क्या है. अभी मैं उससे रिलेटेड आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ जो हमारे प्रीवियस पेपर में आ चुका है, ठीक है. चलो चलो, हमने अभी जितना भी इन्वर्जन के बारे में पढ़ा है उससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस है, और ये क्वेश्चंस मैंने नहीं फ्रेम किया हुआ है, ये सारे आपके प्रीवियस पेपर में आ चुका है, ठीक है. अभी हमने क्या देखा, इन्वर्जन, जनरली इन्वर्जन का मतलब क्या है, जब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाए. और जनरली इन्वर्जन किस टाइप ऑफ सेंटेंस में होता है, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक सेंटेंस में. और प्रश्नवाचक सेंटेंस की पहचान क्या है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, व्हाट हाउ व्हेन से नहीं डिसाइड करो. अब सेंटेंस देखो, फर्स्ट वाला, दे कुड नॉट टेल मी व्हाई डिड ही नॉट ईट हिज लंच, ठीक है. और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के पहले ना दिक्कत नहीं होगा आपको, आप देखो अपने ऑप्शंस पे नजर डालो, देखो कि आपके ऑप्शन में क्या फेरबदल किया गया है, ठीक है. और जब भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सवाल बनाते हो ना, तो थोड़ा टेंस पे ज्यादा ध्यान देना है. कई बार क्या होता है कि सेंटेंस पास्ट में जाता है और ऑप्शंस हमारे प्रेजेंट में डाल देते हैं, ठीक है. अब ऑप्शंस पे ध्यान दो, यहाँ पे डिड ही है, डिड ही है मतलब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, यहाँ इन्वर्जन हो रहा है. यहाँ भी देखो, ही है, ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, यहाँ भी इन्वर्जन हो रहा है, यहाँ भी इन्वर्जन हो रहा है, क्वेश्चन में भी हो रहा है. यहाँ पे इन्वर्जन नहीं हो रहा है क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, यहाँ पे इन्वर्जन नहीं हो रहा है. और यहाँ भी इन्वर्जन नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट से बाद वर्ब आ रहा है, ठीक है. अब हमारा सेंटेंस क्या है, फुल स्टॉप वाला सेंटेंस, और फुल स्टॉप वाला सेंटेंस कभी भी इंटरोगेटिव नहीं होता है. और ये इंटरोगेटिव नहीं है, वाई देख के नहीं डिसाइड करोगे कि ये इंटरोगेटिव है, ये फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है. और फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं होता है, तो हमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें इन्वर्जन नहीं होता है. बट क्वेश्चन में तो इन्वर्जन हो रहा है, इसका मतलब है ये गलत है और नो इम्प्रूवमेंट आंसर नहीं होगा. फिर हमारा इन्वर्जन किसमें हो रहा है, यहाँ हो रहा है, बट इसमें इन्वर्जन नहीं चाहिए, ये भी हटा. अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, वाई ही डिड नॉट ईट और वाई ही हैड नॉट ईट. अब आपको लगेगा कि दोनों हो सकता है, बट फेरबदल किसमें है, ये देखो, ये ईट है और ये एट है, एट वी टू फॉर्म है, वर्ब का पास्ट टेंस. और हमने अपने वीडियो वाले सॉरी वर्ब वाले वीडियो में देखा है कि हैड के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है. बट ये तो वी टू फॉर्म है, ये गलत है. ये हो सकता था अगर आंसर ईटन होता, ठीक है. अल्टीमेटली हमारा सही आंसर क्या है, डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड अपने आप में पास्ट टेंस है, ये आंसर, ठीक है. अब नेक्स्ट वाले सेंटेंस पे आओ, डिड ही टेल यू व्हाई ही हैजंट कम यस्टरडे. अब देखो सेंटेंस ये इंटरोगेटिव है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो हमें इन्वर्जन चाहिए ही, तो हमें कौन सा ऑप्शन चुनना है जिसमें इन्वर्जन हो रहा है, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस. ये देखो, यहाँ पे इन्वर्जन नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे नो इन्वर्जन,
ठीक है, इन्वर्जन नहीं हो रहा है। यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, नो इन्वर्जन। यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है और यहाँ भी इन्वर्जन हो रहा है। हमें कैसा वाला सेंटेंस चाहिए जिसमें इन्वर्जन हो रहा है, क्योंकि ये हमारा सेंटेंस क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में हमें इन्वर्जन चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ पे नहीं हो रहा है, ये गलत है, नो इम्प्रूवमेंट, आंसर नहीं होगा। और एक कहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ भी नहीं हो रहा है, ये भी हटा। ओके, अब देखो दोनों जगह इन्वर्जन हो रहा है, हैजंट ही, हैडंट ही, दोनों जगह इन्वर्जन हो रहा है। बट डिफरेंस क्या में है कि ये प्रेजेंट में जा रहा है हैज और ये पास्ट में जा रहा है। कुछ ना कुछ क्ल्यू छोड़ा हुआ है कि सेंटेंस को पास्ट में जाना चाहिए या प्रेजेंट में जाना चाहिए। अब सेंटेंस देखो, येस्टरडे, ठीक है, येस्टरडे है, फिर यहाँ पे डिड है, तो ये सेंटेंस को पास्ट में जाना चाहिए। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हैडंट। ओके, थोड़ा सा मैं बोर्ड को क्लियर करती हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। यहाँ तक तो हमने कर लिया। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, हाउ कुड ही गो आउट इफ इट स्टार्टेड रेनिंग, ठीक है, आप कैसे जाओगे अगर बारिश शुरू हो जाती है। ये सेंटेंस देखो, कुड ही में इन्वर्जन हो रहा है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, इसमें इन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, इसमें भी इन्वर्जन हो रहा है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, इसमें भी इन्वर्जन हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। बट डिफरेंस क्या है कि ये पास्ट में है कुड और ये प्रेजेंट में है। पास्ट प्रेजेंट में है तो कहीं ना कहीं सेटर ने क्ल्यू छोड़ा है कि सेंटेंस को पास्ट जाना चाहिए या प्रेजेंट जाना चाहिए। ये देखो, इसमें इन्वर्जन नहीं हो रहा है, नो इन्वर्जन, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, ठीक है, नो इन्वर्जन, और इसमें भी नो इन्वर्जन हो रहा है। अब ये सेंटेंस क्या है, फुल स्टॉप है, और फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में हमें इन्वर्जन नहीं चाहिए। इसका मतलब इसमें तो हो रहा है, ये नो इम्प्रूवमेंट, आंसर नहीं हो रहा। यहाँ भी इम्प्रूवमेंट, यहाँ भी इन्वर्जन हो रहा है, ये भी गलत होगी। अब ही कुड गो आउट और ही कुड गोज आउट, दोनों जगह इन्वर्जन नहीं हो रहा है, और हमें जिसमें नहीं हो रहा है वही वाला ऑप्शन चाहिए, क्योंकि फुल स्टॉप से ख़त्म हो रहा है। बट डिफरेंस देख लो, हमने पढ़ा है, जब मैंने अभी रिसेंटली आपको मुडाल का वीडियो शूट करके डाला हुआ है उसमें बताया है कि कोई भी मुडाल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो यहाँ गो फर्स्ट फॉर्म है, और गो कुड के साथ यहाँ गोज, ये तो फिफ्थ फॉर्म हो गया, तो ये गलत हो गया। ही कुड गोज नहीं है, ही कुड गो, अल्टीमेटली बी हमारा ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ, आई आस्क द ट्रैवलर वेयर इज ही गोइंग, ठीक है, मैंने ट्रैवलर से पूछा कि वो कहाँ जा रहा था। अब ये सेंटेंस देख, ये सेंटेंस फुल स्टॉप वाला है, और फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में हमें इन्वर्जन नहीं चाहिए, ठीक है। किसमें इन्वर्जन नहीं हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, इसमें तो हो रहा है, गलत है, और इसमें भी नहीं हो रहा है। अगेन टेंस देख लो, सेंटेंस का टेंस क्या है, पास्ट टेंस में जा रहा, तो इस तो होगा नहीं, क्या होगा आंसर, वॉज, ठीक है। वेयर डिड यू केम फ्रॉम, ये क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, और हर क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में क्या चाहिए, इन्वर्जन चाहिए। किसमें इन्वर्जन हो रहा है, इसमें तो नहीं हो रहा है, इसमें तो सब्जेक्ट के बाद वो अब आ रहा है, ये हटा, इसमें हो रहा है और इसमें हो रहा है, और इसमें भी हो रहा है इन्वर्जन। बट ये गलत इसलिए है क्योंकि डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, डिड यू केम नहीं होगा, डिड यू कम होता तो हो सकता था, ये भी हटा। अब हमारे पास बचा डिड यू कम्स और डिड यू कम, और डिड के साथ तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता, ये हो गया। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि इन्वर्जन होता क्या है, ओके, और इसको कैसे कैसे यूज़ करते हैं। अभी तो मैंने बताया कि जनरली इन्वर्जन इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है, प्रश्नवाचक सेंटेंस में, जो सेंटेंस फुल स्टॉप से एंड हो रहा है उसमें इन्वर्जन नहीं होगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाली हूँ कि कुछ ऐसा सेंटेंसेस है जो प्रश्नवाचक नहीं है, ठीक है, फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है, बट फिर भी वो अपने साथ इन्वर्जन लेगा। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल कि काइंडली इन्वर्जन का सेकेंड पार्ट ज़रूर देखें। ये तो मैंने सिंपली कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो फुल स्टॉप वाला है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, फिर भी इन्वर्जन लेता, और वो कौन वाला है, वो कंजंक्शन और एडवर्ब में करेंगे, ठीक है, इन्वर्जन का वो पार्ट जो कंजंक्शन और एडवर्ब से रिलेटेड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वीडियोज आपको अच्छे लगे होंगे होपफुली, और अगर आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट, इन्वर्जन के नेक्स्ट पार्ट के साथ, ठीक है। एंड चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करिए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक वीडियोस पहुंच सके, ठीक है। चलो अब मिलते हैं, थैंक यू।